पाकिस्तान क्रिकेट फैन के लिए आई इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताते चले कि पाकिस्तान टीम 3 ODI मैच और 3 T20 मैच की सीरीज खेलने वाली है ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन वही पाकिस्तान का वो 2 ओपनर की घोषणा हो चुकी है जो ऑस्ट्रेलिया के सामने ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। सबसे पहले पाकिस्तान टीम 3 ODI मैच खेलने वाली है और पहले ODI की बात करें तो 4 नवंबर को खेला जाएगा मेलबर्न में। लेकिन वही बात करें ऑस्ट्रेलिया की टीम के तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के बड़े बड़े प्लेयरों को बैठाया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के यंगस्टर प्लेयरों को मौका दिया जाएगा पाकिस्तान के सामने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे बड़ी सीरीज खेलने वाली है इंडिया से जो 22 नवंबर को खेलने वाली है टेस्ट मैच, यानी कि गावस्कर ट्रॉफी के लिए खेलने वाली ऑस्ट्रेलिया और टीम इंडिया 22 तारीख को 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। इसीलिए पाकिस्तान के सामने ऑस्ट्रेलिया के बड़े प्लेयर नजर नहीं आने वाले हैं। ऐसे में पाकिस्तान टीम को बड़ा मौका सामने आया कि पाकिस्तान टीम की ये 2 ओपनर पाकिस्तान को ODI मैच की सीरीज जिता सकते हैं आसानी से। वो 2 बड़े ओपनर कौन होने वाले बताएंगे इस खास वीडियो में, लेकिन उससे पहले बताते चले कि पाकिस्तान की कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए क्रिकेट फैक्ट 2.7 को सब्सक्राइब कर दे। बात करें पाकिस्तान के वो 2 ओपनर का जिसमें सबसे पहला नाम होने वाला है फखर जमान का, क्योंकि फखर जमान की बात करें तो फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए कई महत्वपूर्ण इनिंग खेली है एज अ ओपनर। वहीं दूसरा बड़ा नाम की बात करें तो दूसरा बड़ा नाम के तौर पर नजर आने वाला है अब्दुल्ला शफीक को मौका मिलने वाला है सेकंड ओपनर के तौर पे, और अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान आपको ऑस्ट्रेलिया के सामने ओपनिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होना चाहिए आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दें। जब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ।